Thank you, Speaker sir. Honorable Minister sir, Ashwini Baisnaw is from Odisha and I have a lot of expectations, but main apna peeda bhi batana chahta hu sir, and I will talk about the two projects. 2019 se jab chun ke aaya, har sadan mein mota hai, aap bhi jante hoge sir project ke bare mein. Ek to Gunpur Tirwari new rail line project hai. This was the extension up to Tirwari. Main nahi janta. सर वो मंत्री जी से पहले जो थे उनसे भी बात हुआ, चर्चा हुआ, बहुत आगे बात गया सर. ये 2017-18 बजट में इंक्लूड किया गया था. उस वक्त डीपीआर था 1273.74 करोड़ एंड रेट ऑफ रिटर्न वाज -3.19%. दे सेड द स्टेट गवर्नमेंट इफ दे गिव लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड शेयर द कॉस्ट दे विल कमीशन द प्रोजेक्ट. आई स्पोक टू द चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी एंड ही एग्रीड टू डू बोथ द थिंग्स. बट सर ये चिट्ठी इतना चलता है ना कि वहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से वहाँ आता है, इट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. अभी मैं अनस्टार्ट क्वेश्चन में पूछा था, माननीय मंत्री जी ने बताया कि डीपीआर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड द कॉस्ट इज 1165. माय क्वेश्चन वाज सर, इस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, कब कमीशन होगा, आपको क्या चाहिए, प्लीज़ कर दीजिए. ये सबका साहब सबका विकास की बात है तो हम लोग का भरोसा भी चाहिए सर, पूरा मदद मिलेगा. माननीय मंत्री से आवेदन है, इस प्रोजेक्ट को आप जैसे भी हो कमीशन करो. मैं उनका स्वागत भी करता हूँ, आप आओ अपने क्षेत्र में एंड इसका इनॉग्रेशन भी करो सर. इसके साथ दूसरा एक मेन चीज़ है, रायगढ़ रेल डिवीजन सर. ईस्ट कोस्ट रेलवे वॉज बाइफर्केटेड इन द साउथ कोस्ट रेलवे एंड ईस्ट कोस्ट रेलवे. इट वॉज ए प्रॉफिट मेकिंग जोन सर, एंड इसके बदले में दे प्रॉमिस्ड एंड कमिटेड ओडिशा दैट दे विल गिव रायगढ़ रेल डिवीजन. नाउ आई हैवंट सीन द पिंक बुक येट, बट इट इज़ बीइंग मेंशन दैट दे हैव एलोकेटेड 70 क्रोर्स. आई वेलकम इट सर, बट यू हैव टू एक्सपेडाइट द वर्क. लोग वहाँ पे कब से वेट कर रहे हैं कि रायगढ़ डिवीजन कब होगा सर. जाजपुर रोड धामरा न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट, इसका भी डीपीआर प्रिपेयर हो गया था एंड सेंट टू द मिनिस्ट्री. द कॉस्ट इज 2,996.81 क्रोर, रेट ऑफ रिटर्न इज 24%. सर ये तीन प्रोजेक्ट मैं चाहता हूँ मंत्री जी अपने जवाब में ये दे कि कब कमीशन करें. वेन यू टॉक अबाउट एलोकेशन ड्यूरिंग द यूपीए टाइम, आपको 1,000 करोड़ मिला था, बट यू हैव टू ऑल्सो लुक कि उस वक्त का बजट साइज था 16 लाख करोड़. इट्स नाउ 48 लाख करोड़. वेरियन सेइंग इट वॉज 1 ट्रिलियन एंड 3 ट्रिलियन. उस वक्त बजट भी अलग था सर, हमें पता चलता है कि पैसा कहाँ आता है कहाँ जाता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस का जो बोल रहे थे विशाखापट्टनम टू रायपुर, इट हैज़ टू बी डन सर, बिकॉज द ट्राइबल पीपल दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी ए वंदे भारत ट्रेन. देर आर सम स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, एक्सटेंशन ऑफ लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस टू रायगढ़, एक्सटेंशन ऑफ 12893 भुवनेश्वर टू बोलांगीर इंटरसिटी एक्सप्रेस टू रायगढ़, एक्सटेंशन ऑफ भुवनेश्वर टू विशाखापट्टनम इंटरसिटी टू कोरापुट वाया अरक्कु, एक्सटेंशन ऑफ 12871 इस्पात एक्सप्रेस टिल विशाखापट्टनम, एक्सटेंशन ऑफ संबलपुर रायगढ़ टिल रायगढ़ कोरापुट, एक्सटेंशन ऑफ 18303 संबलपुर पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस टिल रायगढ़ कोरापुट, एक्सटेंशन ऑफ 18513 जगदलपुर विशाखापट्टनम टू हैदराबाद, एक्सप्रेस इन स्टॉपेजेस एट जेकेपुर एंड बिसमकटक एंड अम्बादोला. बिफोर द कोविड टाइम्स द ट्रेन यूज़ टू स्टॉप सर, बट अभी जितने मेरे क्षेत्र के लोग आते हैं उनका एक ही रिक्वेस्ट होता है कि ट्रेन्स रुकते नहीं है सर, ये आप फिर से करो. एंड एक मेन चीज़ है जो रेलवे कंसेशन मिलता था सीनियर सिटीजन्स को एंड जो प्रेस रिपोर्टर्स को, वो कोविड से पहले मिलता था, वो जो बंद हो गया, आप उसको फिर से चालू कीजिए. एंड मेरा सर अपेक्षा है आपसे, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के, ये जो प्रोजेक्ट्स है गुणपुर तिरवे रेल लाइन, रायगढ़ रेल डिवीजन, इस पर आप ध्यान दीजिए एंड प्लीज़ इसको कमीशन कीजिए. 6-7 साल हो गया, आदिवासी बहुल एरिया है सर, बहुत एक्सपेक्टेशंस है एंड हम चाहते हैं कि ये सरकार सबका साथ सबका विकास करने के प्रयास में हम लोग को ये आवेदन करेगा. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी.